एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक नगर में घूम रहे थे। उस नगर के आम नागरिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने यह बात बैठा दी थी कि वह एक ढोंगी है और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इस वजह से वहां के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें भला बुरा कहने लगे और बद्दुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की आलोचनाएं शांति से बिना बोले सुनते रहे, लेकिन जब नगर के लोग उन्हें बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो मैं यहाँ से जाऊँ। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर वहाँ के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। वहीं खड़ा एक आदमी बोला, ओ भाई, हम तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, क्या इसका तुम पर कोई असर नहीं होता? बुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहे जितनी गालियाँ दो, मैं उन्हें लूँगा ही नहीं। आपके गालियाँ देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। बुद्ध आगे बोले, और जब मैं इन गालियों को लूंगा ही नहीं तो यह कहाँ रहेंगी? निश्चित ही आपके पास। दोस्तों, बुद्ध के जीवन का यह छोटा सा किस्सा हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसा कर हम स्वयं के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। देखो, लोग तो आलोचना करते रहेंगे, आज तुम्हारी कल किसी और की, कल सफल हो जाओगे तो गुणगान भी करेंगे, उन्हें वास्तव में तुमसे कोई मतलब नहीं है, ना तुम्हारी असफलता से ना तुम्हारी सफलता से। बहुत से मेहनत करने वाले लोग डिप्रेशन में भी होंगे कि यार 2022 भी निकल गया और मैं वहीं का वहीं हूँ, लोग क्या कहेंगे? मेरे भाई, कहने दो उनको, मत दो ध्यान, यू जस्ट फोकस ऑन योर गोल। जो पूरे साल में नहीं हो पाया वो आखिरी बचे 3 महीनों में हासिल करने की सोचो बस। एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे, हर भक्त की भेंट स्वीकार कर रहे थे। तभी एक वृद्धा आई, उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, आज एक आम मिला है, मैं इसे आधा खा चुकी हूँ, तभी पता चला कि आज आप दान ग्रहण करेंगे, अतः मैं आम आपके चरणों में भेंट करने आई हूँ, कृपा कर इसे स्वीकार करें। गौतम बुद्ध ने अपनी अंजुरी में वह आधा आम प्रेम और श्रद्धा से रख दिया, मानो कोई बड़ा रत्न हो। वृद्धा संतुष्ट भाव से लौट गई। वहां उपस्थित राजा यह देखकर चकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि भगवान बुद्ध वृद्धा का जूठा आम प्राप्त करने के लिए आसन छोड़कर नीचे तक हाथ पसार कर क्यों आए। पूछा, भगवान, इस वृद्धा में और इसकी भेंट में क्या ऐसी विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, राजन, इस वृद्धा ने अपनी संपूर्ण संचित पूंजी मुझे भेंट कर दी, जबकि आप लोगों ने अपनी संपूर्ण संपत्ति का केवल एक छोटा भाग ही मुझे भेंट किया है। दान के अहंकार में डूबे हुए बग्घी पर चढ़कर आए हो। वृद्धा के मुख पर कितनी करुणा और कितनी नम्रता थी, युगों युगों के बाद ऐसा दान मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि हम जिंदगी में कोशिश बहुत करते हैं, अपनी सफलता के लिए बहुत एफर्ट मारते हैं, असल में वो कोशिश हमारी एक छोटी भेंट के बराबर होती है और बदले में सफलता बहुत बड़ी चाहते हैं। पूरी ईमानदारी से खुद से पूछना कि क्या वो कोशिश आपकी सच्ची भावना से होती है, जैसे उस वृद्धा ने, जिसके पास कुछ ना था लेकिन सच्चे दिल से अपनी भूख से समझौता करते हुए आधा आम भगवान बुद्ध को दे दिया, ये जानते हुए भी कि भगवान बुद्ध को पेट भरने के लिए कोई कमी नहीं थी। शायद जितनी जरूरत उस आधे आम की उस वृद्धा को थी, भगवान बुद्ध को नहीं थी। अब एक साल रिवाइंड करो, क्या हर दिन आपने अपनी सफलता को पाने की कोशिश करी? जिस वक्त तुम्हें नींद आ रही थी तो तुमने सोना उचित समझा या 2 घंटे और अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करना उचित समझा? जब भूख लग रही थी तो पहले खाना उचित समझा या 2 घंटे और अपनी मेहनत में जोड़ना उचित समझा? हमारी सफलता भी सच्चे मन से एक छोटा सा दान मांगती है, नींद का दान, चैन का दान, भूख का दान, मन में चल रहे अनेकों प्लेजर का दान। जब वो वृद्धा अपने भगवान को पाने के लिए अपनी भूख का दान कर सकती है, तो क्या हम लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये छोटे मोटे दान नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपने पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ से 2 पत्ते नदी में आकर गिर गए, एक पत्ता तिरछा गिरा, एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता तिरछा गिरा था वो जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि आज चाहे हो जाए मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि रुक जा गंगा, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। पर नदी तो बहती ही जा रही थी, नदी को तो पता ही नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने का प्रयास भी कर रहा है। इधर पत्ती की जान पर बनाई थी, वह लगातार संघर्ष कर रहा था। वो पत्ता नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं जाना था जहां थक कर हार कर पहुंचेगा। परंतु अब और तब के बीच समय उसके लिए दुख और संताप का समय बन चुका था। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था वह नदी के प्रभाव के साथ बड़े मजे से बहता जा रहा था और कह रहा था कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, चाहे जो हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं आने दूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में भी कुछ नहीं पता था, वह तो अपने धुन में सागर की ओर बहती जा रही थी, लेकिन यह पत्ता खुश और आनंदित था।
क्योंकि उसे तो लग रहा था कि मैं ही नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा हूँ। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी यह नहीं पता था कि चाहे वह नदी का साथ दे या नहीं दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे जाना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके लिए आनंद का समय बन चुका था। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था उसके जीत का कोई उपाय नहीं था, और जो पत्ता नदी के साथ बहता जा रहा था उसकी हार का कोई उपाय नहीं था। कहने का अर्थ सीधा है कि तुम्हें मेहनत वहां करनी चाहिए, लड़ना वहां चाहिए जहां उसकी कीमत मिलने के आसार हों, ऐसी जगह नहीं जहां समय की बर्बादी हो। तो साल खत्म होने को आ गया, परंतु कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपने काम का परिणाम कतई नहीं दिख रहा होगा। तो मेरा उन योद्धाओं से एक ही कहना होगा कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें पसंद है, मत छोड़ो उसे। लेकिन जिस रास्ते में तुम चल रहे हो, जिस रणनीति से तुम चल रहे हो, उसे बदलने की कोशिश करो एक बार। बस चौंका दो उन लोगों को जो तुमसे पूरे साल में नहीं हुआ, वो आखिरी इन 3 महीनों में करके दिखा दो। बंद कर दो वो बोलते हुए मुंह जिन्होंने पूरे साल सिर्फ तुम्हारा मजाक ही उड़ाया। दिखा दो वो सफलता हासिल करके जिसके बारे में वो सोच तक नहीं सकते। पूरा साल तूने सोने में गुजार दिया तो जग जाब। पूरा साल तुमने आराम करने में गुजार दिया तो उठ जाब। पूरा साल मौज मस्ती में गुजार दिया तो थम जाब। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। हो जाओ गायब 3 महीने के लिए, कट जाओ पूरी दुनिया से, त्याग दो नींद को, त्याग दो चैन को, कर लो काबू अपने मन को बस कुछ समय के लिए। दिखा दो वो जादू जो सिर्फ तुम कर सकते हो। बस